फ्रेंड्स, मैं संध्या चौरसिया आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और क्योंकि मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले अजियो का हॉल किया था और मेरा नेक्स्ट अजियो का ही हॉल आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी थी। अभी बहुत अच्छी सेल चल रही है, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें अपने जो बकेट लिस्ट थी काफ़ी टाइम से मैंने सेव कर रखा था, तो वैसे ही मैंने वहाँ से ये सामान ऑर्डर किया है। तो मैं आज आपके साथ जल्दी जल्दी से शेयर करती हूँ, जिससे कि अगर आपको भी रीज़नेबल लगे तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहला आइटम शुरू करते हैं। ये एक वॉच है फास्ट ट्रैक की, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका ओरिजिनल प्राइस है 3,495 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो है ये मैं बहुत टाइम से स्टॉक कर रही थी ये वाली वॉच, और इसको मैंने शॉर्ट वीडियोज़ में भी डाला था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर मिल गई, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है फास्ट ट्रैक वगैरह की जो वॉचेज़ वगैरह होती हैं वो रीजनेबल या कम प्राइस पे नहीं मिलती हैं, और ये मुझे 1800 समथिंग की कुछ मिली थी। ये मैंने अपने बर्थडे के टाइम पे अपने लिए ऑर्डर करी थी, तो मैंने सोचा इसको मैं क्यों ना इसी वाले हॉल में इंक्लूड कर दूँ, जिससे कि अगर आप चाहें तो मैं इसके लिंक भी डाल दूँगी, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी उसको ऑर्डर कर सकते हो। तो ये है, इसका स्ट्रैप कुछ इस टाइप का है और पूरी ब्लैक है ऑल ओवर, हल्का सा गोल्डन का टच दिया हुआ है। मैं आपको उसको पहन के भी दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं इसको बहुत टाइम से अपनी उसमें डाल रखा था, अमेजोन वगैरह सब पे डाल रखा था, लेकिन कहीं और इतना ऑफ पे नहीं आया, एकदम से वो ऑफ पे आया। और पता नहीं मैंने क्या सोचा, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा कि इसे क्या ही कम पे मिलेगी। ये है कुछ इस टाइप की लग रही है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको पहन ही रहती हूँ मैं। तो ठीक है, अब हमारे पास 1800 समथिंग की है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप जाके उसमें चेकआउट कर सकते हो कि कैसी कितने की मिल रही है। अभी हो सकता है अप एंड डाउन होते रहते हैं सेल वगैरह के टाइम पे, कभी आपको कम पे दिख जाएगा थोड़ा बहुत, दो कभी अप पे मिल जाएगा। तो ये मुझे 1800 समथिंग की मिली थी, एग्जैक्टली प्राइस मैं इसके स्क्रीन पे डाल दूँगी। ठीक है, तो उसके बाद शुरू करते हैं। मैंने कुछ टी शर्ट अपने भैया के लिए मंगाई थी, मैंने नहीं उसने ही ऑर्डर करी थी, तो मैं इसको भी इसमें इंक्लूड कर दे रही हूँ, क्योंकि ये भी अजियो से ही आई हैं और इनको मैं ओपन करके देख चुकी थी ये कैसी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मिली थी। और ये ओवर साइज टी शर्ट्स हैं और ये 5 मंगाई थी, एक मैं इसमें से रिटर्न कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगा सारी ब्लैक ब्लैक के ऊपर होंगी तो कैसी लगेंगी, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये है ब्लैक कलर की टी शर्ट और ये कुछ इस टाइप की है। ठीक है, ये इसका फ्रंट है, ये यहाँ पे शेर बना हुआ है, पीछे बड़ा वाला पैच है कुछ इस टाइप का, पूरे में बहुत अच्छा सा पैक बना हुआ है। ब्लैक कलर की टी शर्ट है, इस टी शर्ट का फैब्रिक भी अच्छा है, अगर नहीं होता तो मैं इसको रिटर्न कर देती। ये मैंने स्मॉल साइज़ में मंगाई है, क्योंकि ये थी ओवर साइज़, तो ये 40 से 42 साइज़ के आसपास थी, और ये मैंने स्मॉल साइज़ में मंगाई अपने भाई के लिए। ये 1499 इस पर लिखा हुआ है, लेकिन वो मुझे 290 के आसपास की पड़ी थी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसी में 3 और मंगाई हैं। तो एक ये वाली है, उसके अलावा एक और है, ये सारी भैया के लिए हैं, तो इसको मैं ट्राई करके नहीं दिखा पाऊँगी। ये है एक पांडा बना हुआ है इसमें ब्लैक कलर की, और इसमें बहुत अच्छा सा ये पूरा मैं पूरे उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं सोची थी इसमें से एक उसकी मार लूँ कि कोई इसी मैं ले लूँगी और बोल दूँगी कि मुझे गिफ्ट कर दे रक्षाबंधन के गिफ्ट में। एक ये है, ये भी सेम ही उसकी है, सेम ब्रांड की है, और इसकी ब्रांड मैं दे दूँगी आपको कि कौन सी है। ये भी 1499 लिखे हुए हैं, स्मॉल साइज़ है और ब्लैक कलर का, अच्छा मोटा मतलब अच्छा स्टफ है इसका, ऐसा नहीं है कि 290 की पड़ी तो बहुत बेकार सा स्टफ है। उसके अलावा मुझे कार्टून वाली बहुत टी शर्ट पसंद है, तो ये उनमें से एक है, ये भी कार्टून वाली ही है, ये इसमें छोटा बना हुआ है, ओवर साइज टी शर्ट है क्योंकि, और इसमें बैक साइड पे ये बना हुआ है। तो ये है एक टी शर्ट जो मैंने की अपने भाई के लिए मंगाई थी, ये बहुत सुंदर सा लग रहा है और ये मुझे अच्छा लगा। मुझे कार्टून वाली टी शर्ट वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिलहाल अभी उसके लिए ऑर्डर कर दी थी कि ये उसे ही पैसे पे करें, तो ये मैंने इसीलिए अपने हॉल में उसको ऐड कर दिया क्योंकि वो है नहीं है। और एक ये है लास्ट उसकी, ये वाली है। ठीक है, और ये है एक टी शर्ट, ये भी वही 290 रुपये की है, और एग्जैक्टली जो प्राइस है इसके वो 1499 रुपये है, स्मॉल साइज में मंगाई है, ब्लैक कलर की है, जो और भी कलरफुल में अच्छे नहीं लग रहे थे अदर उस पर, तो मैंने उसको इस पर ही मंगा दिया था।
उसके अलावा ये है एक पैकेट जो कि मेरा है, मैंने अपने लिए एक चीज़ ऑर्डर करी थी, क्योंकि जैसा कि आपने मेरी बेस्ट वीडियो की लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे चिकनकारी कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे जहाँ से अच्छी लगती है कि प्राइस वाइज रीजनेबल हो और अच्छी हो, तो वहाँ से मंगाना ज़्यादा। ये अजियो की क्या कहते हैं, खुद की ही ब्रांड है, अजियो की खुद की ब्रांड है, तो मैंने वहाँ से मंगाई है। और ये इस पर प्राइस पड़े हुए 1299 रुपये लिखे हुए हैं इस पर। और ये ए लाइन वाली है, अलीना कट बोलते हैं इसे, ये अलीना कट की है। मैं आपको इसको ना ट्राई एंड हॉल भी डाल दूँगी, तो आप जाके देख सकते हो कि ये कैसी है, ठीक है। तो इस पर्पल कलर में मैंने ऑर्डर करी थी, और ये मैंने मंगाई थी, मैंने कितने की मंगाई थी, मैंने आई थिंक 1200 समथिंग की मंगाई थी, ठीक है। उस टाइम पे ये जस्ट हाफ प्राइस में मिल रही थी, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। अगर आपको भी ये ऑफर मिल जाए तो आप इसको ज़रूर मंगा लेना, ये अच्छी है। और ये मैंने, ये था तो सही मेरे ख्याल से मीडियम साइज़ है, और मुझे आता है एक्स्ट्रा स्मॉल है, लेकिन मैंने इसको वापस इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका वर्क बहुत अच्छा लग रहा था, और उसके बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। इसमें दूसरे कलर भी हैं, लेमन एक कलर है और एक ग्रीन सा कुछ कलर है, दो कलर की इसमें ऑलरेडी वहाँ पर दी हुई है। और ये यहाँ तक इसका वर्क हो रहा है बहुत अच्छा सा, ठीक है। नीचे पैनल पर पूरा वर्क हो रहा है, आप देखो इसमें बूटियाँ बनी हुई हैं आगे पीछे दोनों साइड पे, यहाँ पे बूटियाँ बनी हुई हैं। आगे फ्रंट साइड पे पूरा वर्क हो रहा है, लेकिन बैक साइड पे सिर्फ बैक के अपर पोर्शन पे यहाँ तक, यहाँ पे वर्क है, और नीचे बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे जाके नीचे की साइड पे ए लाइन का इसका अच्छा खासा घेर है, तो आप देख सकते हो उसमें इतना बड़ा घेर है कि इसमें नहीं आ रहा है। तो ये मैंने मंगाई थी, इसका ट्राई एंड हॉल मैं डाल दूंगी। ये रियोन फैब्रिक में है और उसमें आई थिंक रियोन ही लिखा हुआ था, तो ये मुझे अच्छी लगी, मैं इसका ट्राई एंड हॉल डाल दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और इसकी लिंक्स भी दे दूंगी, और इससे सिमिलर जो कुर्तियाँ थी उनकी भी लिंक दे दूंगी, जिससे कि आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सको अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो, ठीक है। मुझे अच्छी लगी, मेरे हिसाब से इसको इसके जो मुझे जिस प्राइस में मिली है उसके अकॉर्डिंग ये मुझे अच्छी लगी, ठीक है। एक लास्ट कुर्ती जो कि मैंने ही स्टिच करवाई है, मैंने अजियो से ये फैब्रिक मंगाया था, मैंने आपको मेरी शॉर्ट में दिखाया भी था कि मैंने अजियो से दो फैब्रिक मंगाए थे, एक पहले मंगा चुकी थी और मैंने एक बाद में मंगाया था, तो क्योंकि उसमें कपड़ा कम पड़ रहा था जिस टाइप का मैं डिज़ाइन चाह रही थी। तो ये था अजियो का हैंडलूम वाला जो सेक्शन है इंडी पिक, वहाँ से मंगाया था मैंने, ठीक है। और जो है ये मैंने अपने हिसाब से अपने टेलर से सिलवाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये कुछ इस टाइप का है। मैं आपको इसका ट्राई एंड हॉल वैसे डाल दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये मेरा बना है 3.5 मीटर में, यानी कि मैंने दो फैब्रिक मंगाए थे 2.5 मीटर के, तो 5 मीटर हो गया था, इसका 1.5 मीटर और बचा था, तो मैंने उसकी भी कुर्ती बनवा ली है, लेकिन वो सिली तो ठीक थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने अपनी टेल को वापस से डाल दी है, तो इसलिए ये चूड़ीदार स्लीव मैंने इसकी सिलवाई है, ठीक है, ऐसे। उसके अलावा फ्रंट पे इसका नेक कुछ इस टाइप का है, मैं आपको उसका ट्राई एंड हॉल भी डाल दूंगी, छोटा सा नेक है, सेंटर पे कट लगा हुआ है, ठीक है। ये भी चूड़ीदार स्लीव्स है, उसके बाद यहाँ से दो कट लगे हुए हैं इसमें, और बड़ी फ्लेयरी सी बनवाई है, ए लाइन में ही है ये कुछ, इसका बहुत सारा घेर बनवाया मैंने ए लाइन में ऐसे करके है। इसका टाइन हॉल भी मैं डाल दूंगी, तो आप जाके देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जब आप अपने हिसाब से कोई कपड़ा बनवाते हो तो आप उसमें कम ज़्यादा भी करवा सकते हो कोई भी चीज़। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसमें दो पॉकेट्स करवाई हैं, एक ये रही और एक ये रही, मैंने मतलब दोनों साइड पर इसकी पॉकेट्स बनवाई हैं, और बैक भी इसका प्लेन है, क्योंकि ये हैंडलूम कपड़ा है। अगर आप जाके देखोगे ना किसी भी अच्छे हैंडलूम या फैब इंडिया पे देख लो, या इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पे ये हैंडलूम वाले जो कपड़े होते हैं वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, ठीक है। दूसरा आप इसको स्टिचिंग करके भेजते हो तो सोचिए ये वाले कुर्ते 4000 रुपये के मिलते हैं, और मुझे लगता है मेरे को ये 1000 का भी नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सिलवाना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, बजाय कि ऑनलाइन हैंडलूम मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे ये बहुत पसंद है चिकनकारी कुर्ती का, वो वाली चिकनकारी कुर्ती बहुत पसंद है, मुझे हैंडलूम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये हैंडलूम का इंडीपिक से कपड़ा पिक किया था, जो कि आई थिंक 360 का 1.5 मीटर का था, तो वो 700 रुपये के आसपास की पड़ा मुझे फैब्रिक। फिर उसके बाद मैंने स्टिचिंग करवाई थी तो वो 1000 रुपये के आसपास तक पड़ गया होगा। तो
इसका शाइन हॉल मैं यहाँ डाल दूंगी, तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये हॉल कैसा लगा। मुझे क्योंकि बहुत मज़ा आया ये हॉल करके, और ऐसे ही फेस्टिवल से सीजन से रिलेटेड आगे वीडियो में आने वाली हैं, जो कि मेरे मेरे खुद के कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन लेके कपड़ा सेटिस्फाई नहीं होते मेरे जैसे, तो मैं अपने बहुत सारे जो कुर्ते हैं खुद सिलवाती हूँ। मुझे मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग मुझे पॉकेट चाहिए, या मुझे थोड़ा बड़ा नेक चाहिए, मुझे छोटा नेक चाहिए, मुझे बिल्कुल ही किसी किसी में छोटा नेक चाहिए होता है, तो वैसे ही बहुत सारे वीडियोस अभी आगे आएंगी, लाइनअप है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी बनाऊँ, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो ऐसी मेरी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जहाँ आएँ खुश रहें, प्यार बांटिए, बाय बाय।